नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा के अंदर स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के विभिन्न पदों पर निकली हुई वैकेंसी के बारे में। साथ में चर्चा करेंगे कितनी पोस्ट हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फॉर्म फीस रहेगी, तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और इसकी ऑफिशियल साइट की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में इस नोटिफिकेशन की जो PDF है वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब पोस्टों की बात की जाए तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्टें, एक पोस्ट है, पर मंथ पेमेंट 29,200 से लेकर 92,300 रुपये आपको मिलेगा। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रुप सी यानी फार्माकोलॉजी की टोटल अनरिजर्व की एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है, यानी दो पोस्ट है, पर मंथ पेमेंट सेम रहेगी। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनके अंदर ये निकली हुई वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 3 पोस्ट हैं, OBC की 2 पोस्ट हैं, ST की 1 पोस्ट, EWS की 1 पोस्ट और पर मंथ जो पेमेंट है वो आपको लेवल 2 के अनुसार 19,900 से लेकर 63,200 रुपये मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टें हैं, अपने बात करेंगे स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स के लिए PG हॉस्पिटल में है तो इसके लिए अनरिजर्व की 2, OBC की 2, ST की 1, EWS की 1 पोस्ट है, पर मंथ पेमेंट है वो लेवल 5 के अनुसार 29,200 से लेकर 92,300 रुपये आपको मिलेगी। उसके बाद फार्मासिस्ट की आयुर्वेदा के अंदर टोटल अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, OBC की 1 है, EWS की 1 है, पर मंथ लेवल 4 के अनुसार 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पेमेंट मिलेगी। उसके बाद मिडवाइफ की ग्रुप सी के लिए पोस्ट है, अनरिजर्व की 2 है, OBC की 1 पोस्ट है, लेवल 2 के अनुसार 19,900 से लेकर 63,200 रुपये फीस आपको पर मंथ पेमेंट मिलेगी और इसकी ऑफिशियल साइट पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो डेट रहेगी 30/4/2020 को, 30/4/2020 से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए बी फार्मा आयुर्वेदिक अंदर बी फार्मा या फिर BSc केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के अंदर किया हुआ है, साथ में 1 साल का जो होता है डिप्लोमा वो किया हुआ है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं और जो एज है मैक्सिमम वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिज़ायरेबल की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उसमें होनी चाहिए, साथ में आपको हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात की जाए तो वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात की जाए तो इसमें अगर आपने BSc किया केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बी फार्मा किया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की तो जो मैक्सिमम एज है 35 साल है, उससे ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग आयुर्वेदा नर्सिंग की हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं, या साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गुजरात नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग इन आयुर्वेदा के अंदर तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की बात की जाए तो मैक्सिमम एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा डी फार्मा आयुर्वेदा के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बी फार्मा के रूप में कार्य करने का, और साथ में आपको जो है गुजराती, इंग्लिश या देवनागरी स्क्रिप्ट है वो आनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी इनकी क्वालिफिकेशन। अगर मिडवाइफ की बात की जाए तो 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, BSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग आयुर्वेदा के अंदर, या साथ में आपका गुजरात नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई हैं वो आप चेक कर सकते हैं इसकी PDF डाउनलोड करके। अगर हम बात करें इसकी फॉर्म फीस की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म फीस जनरल अनरिजर्व OBC ग्रुप सी पोस्टों के लिए 2500 रुपये लगेगी, SC ST EWS कैंडिडेट्स ग्रुप सी पोस्टों के लिए 2000 रुपये लगेगी, और इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके ऑल पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। आपको जो फीस जमा करवानी पड़ेगी वो डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करवानी पड़ेगी, और डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा वो बनेगा डायरेक्टर IPGT&RA जामनगर के नाम से, और ये फीस इस प्रकार की इतनी फीस है वो जमा करवानी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन है वो आपको एप्लीकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अंदर
भर के लिफाफे के अंदर अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है और यहाँ पर भेज देना है। एड्रेस ये रहेगा द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये देख सकते हैं गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, अपोजिट बी डिवीजन पुलिस स्टेशन, गुरुद्वारा रोड, जामनगर, गुजरात। यह आप देख सकते हैं इसका अप्लीकेशन फॉर्म है, आप ही हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पूर्ण रूप से फिलअप करके आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा। ये फॉर्म है देख सकते हैं, इसमें गुजराती में भी दे रखा है, साथ में इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़कर भेज सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पूर्ण फॉर्म आप देख सकते हैं ये, और ये डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ऑफिस यूज के लिए, इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्लिप नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। तो दोस्तों ये तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, और इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।